ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। कांग्रेस कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। सत्ता पे अगर राज करना किसी ने सिखाया तो वह कांग्रेस ने सिखाया, लेकिन आज कांग्रेस संकट में है। संकट का कारण देखने में तो लग रहा है युवा है, और अगर युवा का संकट, युवा कांग्रेस के संकट का कारण है, तो आने वाला समय हमारी समझ से कांग्रेस के लिए और कांग्रेसियों के लिए सोचने का विषय है। क्यों? जिस तरह से मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से पल्ला झाड़ते हैं, राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस का भविष्य कहे जाने वाले सचिन पायलट कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, और इन सब के साथ उत्तराखंड से भी जब आवाज उठने लगती है जिसके मायने निकालने मुश्किल होते हैं, हरीश रावत जैसी शख्सियत 2 दिन पहले एक पोस्ट करते हैं कि मैं एक राजनीतिक नेता और मैं किस मंदिर जाऊं, उसके मायने आज तक लोग नहीं निकाल पाए। हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि कांग्रेस में किस खेमे में जाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं या स्वयं का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हम आज इस पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के संकट का कारण क्या है। हमारे साथ कांग्रेस की तेज तर्रार नेता गरिमा दसवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के विशाल गुप्ता जी हैं, जो कि हमें पहली बार कांग्रेस के विषय में वह चीजें बताने का प्रयास करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन उनका प्रयास तब असफल होता है जब पंजाब में बन जाती है सरकार, मध्य प्रदेश में बन जाती है, राजस्थान में बन जाती है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में बन जाती है। लेकिन इन सब के इतर जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में एकदम बॉर्डर पे लाके खड़ी होती है और वहां से सरकार मतलब कांग्रेस के मुंह के सामने से ले ली जाती है। राजस्थान में भी वही प्रयास चल रहा है। हम सबसे पहले गरिमा दसवनी जी के पास चलेंगे। गरिमा जी, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लगभग 90% राज्यों में राज करती थी एक बार में, युवा ताकत हुआ करते थे। आज क्या कारण है कि युवाओं का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है? गरिमा दसवनी जी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती संजय जी, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, वहां कहीं ना कहीं एक तो अपरिपक्व राजनीति का परिचय दोनों युवाओं ने दिखाया है और कहीं ना कहीं सब्र की कमी भी दोनों में दिखाई दी। आप अगर राजस्थान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आपको समझना होगा कि वहाँ जैसे उत्तराखंड में बारी बारी से सरकार आती है, वैसे ही वहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, दल बदलता है। और हम निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे, बहुत मेहनत उन्होंने करी। आज राजस्थान में जो सरकार हमारी बनी है उनके अथक प्रयास भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन ये कोई कहीं पर लिखा हुआ रूल नहीं है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये जो टीस है ये वहां से उठी जब उनको ये महसूस हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष मैं था, मेहनत मैंने करी, मेरे नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत मेरे नेतृत्व में करी और मुख्यमंत्री जो है गहलोत जी को बनाया गया। जबकि आप जानते हैं कि गहलोत जी का जो अनुभव है और राजनीतिक सफर है वो बहुत लंबा है, 3री बार के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं। और आप चाहे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी खुद अध्यक्ष थे भाजपा के यूपी में, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए योगी जी। आप उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पर 2002 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अध्यक्ष उस समय वर्तमान में
हरीश रावत जी थे लेकिन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी बने। फिर 2012 में आप देखिए कि फिर बहुगुणा जी को बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं परिपक्वता का परिचय रावत जी ने उस समय दिखाया, ना अपना कोई अलग दल बनाया ना वो किसी और दल में गए और उसका प्रतिफल उनको मिला और वो मुख्यमंत्री बने प्रदेश के और केंद्रीय मंत्री भी बने, आज की तारीख में वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो कई पदों से उनको नवाजा गया सिर्फ और सिर्फ अब पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण, उनकी कर्तव्य भावना को देखते हुए। लेकिन मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगी कि ये जो आज की युवा पीढ़ी है कहीं उसमें एक तो सब्र की कहीं कमी दिखाई पड़ती है और ये जो पूरा राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है नंबर गेम। अगर आपके पास नंबर गेम नहीं है तो आप खुद को एक्सपोज करते हैं और सचिन पायलट जी के पास पहले दिन से नंबर गेम नहीं है। अशोक गहलोत जी को कोई दिल्ली हाईकमान ने या केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे वहां पर नहीं बैठाया मुख्यमंत्री जी के रूप में। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ संजय जी, कि तीन राज्यों के चुनाव उस समय साथ में हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और राहुल जी ने जो उस समय हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस मुहिम को चलाया एक ऐप के जरिए ताकि वो राय मशविरा सभी से कर सकें कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होना चाहिए। एक ऐप जारी किया जो कार्यकर्ताओं से, जिसमें उन्होंने उनकी ओपिनियन मांगी और विधायक दल ने अशोक गहलोत जी को अपना नेता चुना है। ये कोई दिल्ली की पसंद या नापसंद का सवाल कतई नहीं था राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए और ये लड़ाई ही वहां से शुरू हुई। और ये जो टीस हम सचिन पायलट जी के मन में हम बात कर रहे हैं आज, ये उससे उठी है कि उनको ये महसूस होता था कि मेरी मेहनत से सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री भी मुझे होना चाहिए, जबकि गहलोत जी का अनुभव उनसे ज्यादा है, उम्र में भी वो बड़े हैं और उनका जो राजनीतिक करियर है वो काफी बड़ा है और बहुत कम समय में, ये पूरे फेसबुक पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुत कम समय में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट जी को ना सिर्फ उनके पिता की मृत्यु के बाद सहारा दिया बल्कि बहुत कम समय में बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठा है। ठीक ठीक गरिमा जी, राहुल गांधी के दो बाजू होते थे, ज्योतिराज सिंधिया, सचिन पायलट, और ये दोनों बाजू अगर कमजोर नहीं हुए, इनसे दूर हो गए, तो उसका कारण कांग्रेस तलाश रही है। आप जैसे लोग जो प्रदेश में महत्वपूर्ण पद पे हैं, आपने कभी सोचा कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति कांग्रेस से दूर क्यों गया? केवल केवल सत्ता का लालच नहीं हो सकता? संजय जी, मैं यही आपको बता रही हूँ, दो कारण है। देखिए यहाँ पर डिबेट जो हो रही है उसमें आप कांग्रेस की कहाँ पर गलती है पहले तो वो बताइए कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को कहाँ वंचित रखा। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बन जाते हैं, 30 साल की उम्र में वो जो है केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, 32 साल की उम्र में वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस ने कहां पर कमी रखी? आखिर एक दल इससे ज्यादा और दे क्या सकता है उसकी झोली में और होता क्या है, ये कोई मुझे बताने का कष्ट करे। अब ये अपनी सूझबूझ या अपना विवेक, या कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब खुद ही आपका विवेकहीन आप हो जाओ या गलत फैसले अगर अपने जीवन में लेने लगो, इसमें पार्टी का गलती कहां से आती है? और दूसरा, आपने कहा ये राहुल जी के बाजू थे दोनों, मैं निश्चित तौर पे मानती हूं कि बाजू थे। अब बाजुओं को अगर ये गलत फहमी होने लगे कि वो कार्यकर्ता से ऊपर है, बाजुओं को ये गलत फहमी होने लगे कि कांग्रेस पार्टी यदि है तो मेरे दम पे है, मेरे बल पर है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो बाजुओं की गलती है। कहने का मतलब है कोई भी दल कार्यकर्ता से चलता है, नेता से नहीं चलता। और कार्यकर्ता अगर अपने आप को महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है तो एक बार को उसकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन इतने कद्दावर नेता जिनको कांग्रेस पार्टी ने, कोई पद ऐसा नहीं है जो ना नवाजा हो, आप बताइए ना इसके अलावा पद बचता कौन सा है कांग्रेस पार्टी के पास? विशाल गुप्ता जी, कांग्रेस में जो द्वंद्व चल रहा है, जिस तरह से महत्वपूर्ण लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस के लोग खुद है या कांग्रेस है? विशाल गुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी कोई द्वेष की भावना से किसी राजनीतिक पार्टी को तोड़ने की साजिश, लेकिन लालच तो दे रहे हैं आप। कोई लालच नहीं होता, ये राजनीति राष्ट्रीय पार्टियां है, राष्ट्रीय पार्टियों का अपना सिद्धांत होता है, वो कांग्रेस का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी।
और पार्टी नहीं चाहते उनके अंदरूनी लड़ाइयों में सम्मिलित होना। ठीक है, अंदरूनी लड़ाई उनकी आपस में होती है। अभी बहन जी ने हमारी कहा, गरिमा बहन ने, कि सब्र की कमी है। ये बोलने में बहुत अच्छा शब्द है। आज बहन जी ने दूसरे के लिए कहा, कल अपने लिए भी इस चीज को प्रयोग कर सकती है। ये महसूस करेगी कि ऐसा सब्र, एक महत्वाकांक्षी सब्र और जनून और जिज्ञासा और कल्पना ना हो मन के अंदर, नेता के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर, तो कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा कि 26 साल में सांसद, 30 में मंत्री और 32 में प्रदेश अध्यक्ष, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके अंदर कुछ काबिलियत थी, उसका टैलेंट था, जनता और कार्यकर्ता उसको पसंद करते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाकर अपना फायदा साधा। सरकार आपकी राजस्थान में बन गई, लेकिन आपका अधूरी मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। बोलने में आरोप हजारों और लगाए कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें यह करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है। 70 सीटें 72 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की एमलिस नहीं थी कि हम सत्ता आएगी, सत्ता पे आएगी। यह आपका अंदरूनी लड़ाई है कि सचिन पायलट ने वहां सिंधिया जी ने क्यों ऐसा किया। अरे सिंधिया जी को आपने भाजपा में नहीं लिया, सिंधिया जी को आपने राज्यसभा में नहीं भेजा। और आने की इच्छा रखता है, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी तो खुली है सबके लिए, गरिमा जी के लिए भी खुली है। आइए और सम्मिलित होइए, आपको अच्छे ओहदे पे लेकर, आपके अंदर टैलेंट है, अच्छे ओहदे पर आपको लेकर जाएगी। या टैलेंट को निखारा जाता है, इसलिए इस पार्टी को पोस्टर चिपकाने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जी गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, जी जी संजय जी, ऐसा है आपको जो आपने कहा सब्र, सचिन जी अच्छे नेता है, उनके दम पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे राजस्थान की सरकार आई, और आपने अभी शब्द कहा कार्यकर्ताओं की पसंद नहीं थे सचिन पायलट, इसलिए गहलोत जी को कार्यकर्ता की पसंद एनालिस करा ऐप के द्वारा। ये आपने कहा कि दिल्ली, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, सारे से नहीं हुआ ना, आपने कहा गहलोत जी दिल्ली के सारे से नहीं बने, ऐप के माध्यम से एक राय लाइक जाने। मैं बताती हूँ क्या कहा, मैं बताती हूँ क्या था, आपने गलत सुना, आपने गलत सुना। सचिन पायलट जी परिपक्व नहीं थे, आपने कहा कि परिपक्व थे गहलोत जी, आप गहलोत जी को परिपक्व कह रहे हैं। विशाल जी, 32 साल विशाल जी ने कहीं नहीं कही हूं, अपने नेतृत्व में विशाल जी ने कहीं गए उसको परिपक्वता से। अब जब तक आप चीखा, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने प्यार जी को जब तक चिल्ली नहीं करते क्या डिबेट नहीं कर सकते आप? ये आपके अंदर जब तक चीखा चिल्ली नहीं करते डिबेट नहीं हो सकती क्या? जमीन पर बताइए, जब तक चीखा चिल्ली नहीं करते डिबेट नहीं हो सकती क्या? जैसे लोग हैं विशाल जी, विशाल जाना तो, अरे विशाल जी सुनिए ना, कम से कम अगर आपने प्रश्न किया है तो गरिमा जी की भी जवाब तो सुनिए। गरिमा जी, आप अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कितना चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैं यही हूँ, डिबेट में शामिल हूँ। मैं बताती हूँ मैंने क्या कहा। मैंने कहा गहलोत जी की कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं की गई थी, उनको विधायक दल ने अपना नेता चुना था, ना राहुल जी ने ना सोनिया जी ने, उन्होंने अपनी पसंद। आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐप दिया, ऐप में जनता की और कार्यकर्ता की राय जानी। गहलोत जी दिल्ली से नहीं आए, गहलोत जी राजस्थान की जनता के द्वारा और कार्यकर्ता के द्वारा लाए गए। आपके शब्द है, ये दोबारा रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। आप देखना, आप देखना डिबेट। मैंने मैंने ऐप लॉन्च की बात कही, मैं सहमत हूँ। राहुल जी ने ऐप लॉन्च किया और राय मशविरा किया, आपसे नहीं, जनता से नहीं, अपने कार्यकर्ता से, अपने विधायकों से राय मशविरा किया कि कौन पहली पसंद है। दिल्ली नेतृत्व के सारे नहीं होता, विधायक दल का नेता स्वयं चुन लिया जाता है, दिल्ली के प्रतिनिधि प्रभारी के तौर पर, आपके पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं आते यहाँ पे, उनकी राय कुछ नहीं मानी जाती। आपने सीधे सीधे विधायक दल का नेता गहलोत जी को चुना। सचिन पायलट क्या बिल्कुल बेकार थे? आपने कहा कि युवा आप है, आज देखिए विशाल जी, जब राजनीति की समझ ना हो बोलना नहीं चाहिए। अगर वो विधायक दल के नेता या अगर सुनिए विशाल जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप चुप रह के सुन लीजिए। आपके लिए आज आपका टैलेंट को निखारना चाहते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे निखारना चाहते हैं। हम नहीं आपको गलत कह रहे, हम तो बहुत छोटे हैं आपसे, हम कार्यकर्ता केवल मंडल के हैं और आप हमारे प्रदेश के नेता कार्यकर्ता हो। आप मेरी बात अब सुन लीजिए ना पूरी, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं?
मैं ये कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि गहलोत जी से बेहतर, पहले तो आप बार बार इस माला को जपते हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी अंदरूनी मामला सुन लीजिए ना, सुन लीजिए विशाल जी प्लीज, बिना इंटरप्शन सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, जरा सभ्य डिबेट करें। आपका मानना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप ये मानते हैं कि सचिन बेटर चॉइस होते तो आज भी सचिन इस स्थिति में क्यों नहीं है कि वो अस्थिर कर पा रहे हैं सरकार को? क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है, पहली बात। और दूसरा, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जब सरकारें स्थिरता के साथ चलें। आपके दल का एक ही काम है, 2014 से जब से आप केंद्र में काबिज हुए हैं, आप लोग लगातार सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके सामने विद्यमान है, चारों तरफ नजर घुमा रहे। एक सीट पे सत्ता छोड़ दी थी दिल्ली की, ये इतिहास हमारा भी है, इस सिद्धांत को समझिए आप भी, आप हमें गिराने और समझाइए और इतिहास आपका खाने का हो तो गरिमा से आप बैठ नहीं पाएंगे, जरा समझाइए, जरा समझाइए, जरा समझाइए, मुझे जरा समझाइए, मुझे आपसे समझना है, ये आपकी इतिहास की रणनीति है जो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं अपना रही है। चलिए चलिए, अभी हम लौटते हैं, गरिमा जी हमारे साथ जुड़ेंगी। विशाल जी, मुझे 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 नहीं संजय जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद, मुझे मुझे सचिन से, विशाल जी से समझना है कि आखिर कौन सा राजनीति में कौन से दल को इन्होंने देखा इस तरह से सरकारों को अस्थिर करते हुए। ये जो अभी कसीदे पढ़ रहे हैं कि हमने ये भी देखा, हमारे समय पर ये भी हुआ, आप बताइए मुझे, लोकतंत्र के अंदर सरकारों को पूरा 5 साल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो जनता की भलाई है या नहीं है? जो जनता का मैंडेट है, जो जनता का मैंडेट है, आप कहते हैं जनता सर्वोपरि होती है, जनता सर माथे लगानी चाहिए, जनता का जो वोट है, अगर वो जनता का वोट कांग्रेस को गया है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को गया था, आपने अस्थिर क्यों की सरकार? आप आखिर जनता की भलाई क्यों नहीं सोचते, उसका विकास क्यों नहीं सोचते कि 5 साल अगर कोई सरकार चलेगी तो हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं कि मैं कौन से मंदिर पे जाऊं, मैं कौन से मंदिर पे दरवाजे खटखटाऊं, ये हरीश रावत जी कह रहे हैं। बाबू आपके दल में गलतियां नहीं गिना, आपके प्रदेश, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी अलग कहते हैं, आपके राष्ट्रीय नेता हरीश रावत जी और कुछ कहते हैं, ऐसा क्यों है फर्क? ये फर्क केवल आपके नेतृत्व का है, आपके नेतृत्व के अंदर कमी आ गई है इसलिए, लेकिन ये अधूरी मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। और बीजेपी पे आरोप लगाना बंद करिए आप कि राजस्थान की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी के उच्च गई है, ये आपके अंदर की मामला है, पारिवारिक आपके मतभेद है, ये पारिवारिक मतभेद और मतभेद इनसे आ गए आपके अंदर, इसलिए सरकार आपकी जा रही है, रुके विशाल जी, रुके 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 विशाल जी, संजय जी इनसे पूछिए कि 2017 के चुनाव से पहले दान सिंह भंडारी जी आपके दल में थे, क्यों हमारे दल में आ गए? भीमताल से विधायक थे दान सिंह भंडारी जी, क्यों हमारे दल में आ गए? राजकुमार जो पुरोला से विधायक थे, वो हमारे दल में क्यों आ गए? आपके वहां से, केवल हमारे वहां से 10 लोग जो टूट के गए, वो तो आपको याद रहता है कि कांग्रेस पार्टी में टूट हुई फूट हुई, आपके दल से मातवर सिंह कंडारी जी यहां आए ना, क्यों आप संतुष्ट नहीं रख पाए, क्यों नहीं खुश रख पाए उनको, जो उनको इधर आना पड़ा? मैं वो क्यों संतुष्ट नहीं थे आपसे? हरक सिंह रावत जी आपके बहुत बड़े कद थे, क्यों आ गए हमारे पास? मुझे सबोध मीणा जी आपके बहुत बड़े कद थे, क्यों आ गए? सतपाल महाराज जी आपके बहुत बड़े कद थे, क्यों आ गए? अच्छा, एक गरिमा दसौनी जी, गरिमा जी क्या कह रहे हैं? गरिमा जी, संजय जी, मेरी बात इस डिबेट में नहीं हो पाई, संजय जी मेरी बात इस डिबेट में या चीखा चिल्ली में पूरी नहीं हो पाई। देखिए, सचिन पायलट मेरे गुरु भाई हैं, वो और मैं एक ही गुरु को मानते हैं, हमारा पूरा बचपन साथ में बीता है, तो जितना कष्ट मुझे है, मेरी ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, मेरे लिए भी माँ है, उनके लिए भी माँ है, आज कष्ट बाकियों को हो रहा होगा सचिन पायलट जी के एक युवा साथी के इस तरह के बर्ताव से, लेकिन मेरी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। हमारा, मैं जैसा कि आपको बताया कि हर त्योहार में और हर नवरात में हमारा मिलना होता था, कोई साल ऐसा नहीं होता था जब हमारा आपस में मिलना जुलना नहीं होता था, और आपको पता है कि राजेश पायलट जी और रमा पायलट जी का उत्तराखंड से क्या नाता और रिश्ता रहा है।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, ये भी बात सच है कि पद और प्रतिष्ठा के अलावा भी एक अपनी डिग्निटी होती है, एक अपना स्वाभिमान होता है जो इंसान को बेहतर, जो इंसान को प्यारा होता है कहीं ना कहीं। या तो वहां मुझे लगता है कि वहां तनातनी, क्योंकि हम तो राजस्थान पॉलिटिक्स में एक्टिव है नहीं, तो पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, सांसद भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने। लेकिन हो सकता है कि सचिन जी की, मैं सचिन जी की अगर मन की पीड़ा की बात करूं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाह रहे होंगे, जो कि एक बड़े दल में बहुत आम बात है कि जब परिवार बड़ा होता है तो ईगो क्लैश होते हैं, गुटबाजी होती है, धड़ेबाजी होती है, और उसमें कहीं ना कहीं उनको ग्रांटेड समझा जा रहा हो, या अपेक्षा के मुताबिक अपनी सरकार में जैसा उन्होंने एक अपना सोचा था दिमाग में कि मेरा एक रसूख होगा, मेरी सरकार बनेगी तो मेरी चलेगी, मेरी सरकार में हो सकता है वो ना हो रहा हो और उनको बार बार समझौता करना पड़ रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, लेकिन फिर मेरा अपने बड़े भाई सचिन से यही निवेदन बार बार रहेगा कि गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, आने वाले भविष्य के आप ही राजस्थान के नेता थे, कांग्रेस के हैं अभी भी आप नेता, बहुत बड़े नेता हैं, अगर आज भी नंबर टू की पोजीशन पे आप थे तो गहलोत जी का, अगर हम उम्र की बात करें संजय जी, तो बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रह पाएंगे, तो उसके बाद तो सचिन जी को ही आना था एक्टिव पॉलिटिक्स में और फ्रंट लाइन, फ्रंट फुट पे खेलना था। तो नहीं जी गरिमा जी, क्या जी लग रहा है ऐसा कि कांग्रेस जो संकट आया है उससे कुछ समय के लिए संकट हटा है कि हमेशा के लिए आपको लग रहा है संकट हट गया, नहीं प्रयास जारी रहेगा सचिन जी के लिए? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सचिन जी हमारे लिए असेट हैं, सचिन जी हर हाल में हमारे लिए बहुत कीमती हैं, और उनका जैसा युवा तेज तर्रार नेता और एक लीडर जो कि बहुत इंस्पिरेशन हो तमाम युवा पीढ़ी के लिए, उसको इतनी जल्दी अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोल रही हूँ, एज अ कार्यकर्ता अपनी पार्टी से निवेदन कर रही हूँ कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और साथ में बैठा के गहलोत जी और सचिन जी के जो भी मतभेद हैं उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि विचारधारा सचिन जी की अपनी पार्टी से जुड़ी हुई विचारधारा है, इतनी जल्दी रातों रात विचारधारा में बदलाव लाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकती हूँ कि जो 10 लोगों को ये ले तो गए, इन्होंने लॉलीपॉप के रूप में मंत्री पद भी दे दिए, विधायक का टिकट भी दे दिया, लेकिन आज गत बना के रख दिए उनकी, क्योंकि विचारधारा में जो मिलन है ना, जो वो मिलन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं वो। ये माना जाए कि कांग्रेस इस जी तैयारी में लग गई है कि जो उनसे टूट के भाजपा में गए थे, 22 के चुनाव के पहले उनको वापस कांग्रेस में लिया जाए, क्योंकि हरीश रावत जी का जो कहने का मैसेज है, हरीश रावत जी का जो प्रयास है, उनका ये प्रयास है, जिस तरह से हमारी भी बात हुई और मुझे लगा उनका ये कहना है कि उनसे अगर मान लीजिए कांग्रेस सत्ता से दूर हुई है उनकी वजह से, तो उनको एक मौका दिया जाए, वो सत्ता में ला के रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि हरीश रावत जी का प्रयास उन 10ों को वापस लाने का भी होगा? देखिए संजय जी, जी जी हाँ संजय जी, मैं एक बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, ये डिसीजंस मेरे लेवल पे नहीं होते, किसको वापस लेना है किसको नहीं लेना है ये मेरा विशेषाधिकार या प्रेरोगेटिव है भी नहीं, ये या तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी ने हमें इतनी छूट जरूर दी है, इतनी स्वतंत्रता जरूर दी है कि हम अपनी ओपिनियन, अपनी सोच जो है सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं, और मेरी सोच यही कहती है कि जिसने पार्टी को चुनौतीपूर्ण समय पर धोखा दिया हो, जिसने पार्टी की पीठ पे छुरा भोंका हो, जिसने पार्टी को अपनी मुर्दाबाद कहने पर कार्यकर्ताओं को मजबूर किया हो, हम उसकी जिंदाबाद दोबारा नहीं कर पाएंगे, हम पार्टी में उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, अगर पार्टी लेती भी है तो हम पार्टी नेतृत्व के डिसीजन को शर्माते जरूर लेंगे, लेकिन हम उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, हमारे मन में वो सम्मान बिल्कुल नहीं रहेगा जो हमारी पार्टी को धोखा देकर गया हो। सचिन गरिमा जी, फिर सचिन के लिए तो आप अभी पैरवी कर रही हैं, उनको वापस आना चाहिए? सचिन छोड़ के नहीं गए, नहीं सचिन छोड़ के नहीं गए, नहीं, संजय जी बहुत बड़ा फर्क है, सचिन जी ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली आप मुझे बताइए,
पार्टी बना ली अपनी अलग या पार्टी ज्वाइन कर ले? गरिमा जी, नो गरिमा जी, सबसे पहला मैं कोई पैर नहीं कर रही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता ये भाषा को उपयोग कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको, मैंने मैंने जब गुरु भाई कहा है तो मैंने ये भी कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि के, विवेक जब हर लेता है प्रभु तो ट्रैप में आदमी ऐसे ही फंसता है। भाजपा फंसा रही है और सचिन भाई फंस रहे हैं उसमें, उस ट्रैप में फंस रहे हैं भाजपा के, उनको चोक दी जा रही है। नहीं, मैंने कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। विशाल गुप्ता जी, नहीं नहीं सर, जरूरी नहीं है विशाल जी, जरूरी नहीं है विशाल जी, जिस जिस मनस्थिति से इस समय गुजर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम उनसे बात करें। विशाल गुप्ता जी, और मेरा से भी नहीं है, मैं क्या योगदान दे सकती हूँ राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनके साथ सलाह मशवरा करके, जो उनका स्टेचर है, कहाँ मैं कहाँ वो। आपने उत्तराखंड में राय प्रकट कर दी कि हम कभी नहीं लेने के, इन तीनों चारों जो हमारे पास आए थे हम कभी नहीं लेने के। विशाल गुप्ता जी, चलिए चलिए हम लौटते हैं, अभी आएंगे। ये मेरा मत है, मैंने पार्टी, ये मेरी पार्टी का मत नहीं है, ये मेरा कार्यकर्ता होने के नाते मत है कि ऐसे लोगों को जिसने पार्टी को धोखा दिया हो, आपकी निजी राय है, कार्यकर्ता के ऊपर मत ठोकिए। मेरी निजी राय है, मैंने शुरू में कह दिया, आप शायद बातों को सुन नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा मेरी पार्टी मुझे इतनी स्वतंत्रता देती है कि मैं एज अ कार्यकर्ता अपनी सोच भी सार्वजनिक पटल पर रख सकूं, और मेरी पार्टी नेतृत्व का अगर फैसला होगा इनमें, इन दसों में से किसी को लेने का, वो मुझे स्वीकार्य होगा क्योंकि वो नेतृत्व का फैसला है, वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे मन से वो सम्मान उनको दोबारा कभी हासिल नहीं होगा, मेरी जुबान से जिंदा बात कभी दोबारा नहीं निकल सकता। विशाल गुप्ता जी, बार बार आप लोग बड़े नेता से लेकर के एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है, भाजपा आज कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, आप कांग्रेस, आपके पास आप कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता को ही केवल लुभा रहे हैं, अपने साथ ले रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के पास ही नेता थे। संजय जी, आप बार बार कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना हम लोगों ने की और कांग्रेस के विचारों से मुक्त करने में हम कामयाब हुए। गंगा मैया इतनी बड़ी है और उसमें तीन नदी नाले गिरते हैं और सब समाहित हो जाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा मैया की तरह आगे चलेगी और सबको साथ संस्कार और विचार के साथ जोड़ेगी और भारत को उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आगे ले जाएगी। नहीं, मतलब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आप हर स्तर तक उतर आएंगे? ये कमजोर करना हमारा नीति नहीं है, ये कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश में आपने किया? हमने जब संजय जी बार बार आप आरोप लगाते हैं, मतलब आपके अंदरूनी मामले में, लड़ाई मामले में, मतभेद और मनभेद मामले में भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीतिक सिस्टम पे परिपक्व होती है और उसमें निगाह लगा के रखती है और निगाह पे निशाने पे बिल्कुल एंटी लगता है, तो आप हमारे पर आरोप लगा। सचिन पायलट को क्यों अकेले छोड़ दिया फिर आपने? तो हमारा सचिन, क्योंकि उसके पास हमने गुमराह जैसा गरिमा जी कर रहे हैं, गरिमा पास उनके पास नंबर नहीं, उनके पास नंबर नहीं हो पाए, इसलिए उनको आपने अकेले छोड़ दिया। ये राजनीति पार्टी का विषय, आप बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, गहलोत जी ने क्या नहीं किया, क्यों आईडी के छापे डल रहे हैं, क्यों हाँ संजय जी बहुत सही विशाल नहीं संजय जी मुझे बोलना है इस बात पे। अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार, आपकी आपका दल हमारी सरकार को अस्थिर नहीं कर रहा है, तो बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ संजय जी, नहीं संजय जी मुझे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, सचिन पायलट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बताना। मीडिया में आया, मीडिया में वीडियो आई कि पुलिस वाले ने गाड़ी से चाबी निकाल दी विधायक के, और विधायक बोल रहा है चीज को कि गहलोत जी की साजिश है, फिर आप किसको कहेंगे साजिश का, राजा किसको बताएंगे साजिश का? मैं बताती हूँ ना, बताइए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। देखिए संजय जी, ये तो पॉइंट छूट ही गया था कि जब हम अस्थिरता की बात कर रहे हैं कि भाजपा कैसे राजस्थान में अस्थिर कर रही है, वो ऐसे कर रही है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एक तरफ वहां उहापोह की स्थिति चल रही है, कौतूहल की स्थिति चल रही है और रसाकसी चल रही है, सबसे छुपा किसी से भी नहीं है, सबको विदित है। उसके बावजूद 43 जगह पर अशोक गहलोत जी के रिश्तेदारों के घर में छापेमारी चल रही है, क्या इसको आप इत्तेफाक कहेंगे? अगर इसको गवर्नमेंट अस्थिर करना नहीं कहेंगे तो, और विशाल गुप्ता जी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहते तो और क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए कि एक तरफ जो इनकम टैक्स अधिकारियों की जांच है, जो स्क्रूटनी जो होती है वो कुछ ना करे,
मतलब आप 3-4 करने में कामयाब हो जाओ। ये इत्तेफाक है, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, ये इत्तेफाक है क्या? कांग्रेस के विधायक की चाबी निकलना भी इत्तेफाक है क्या? नहीं, कांग्रेस का विधायक तो हो सकता है ना, वीडियो आई, कांग्रेस का विधायक हो सकता है आपके हरे हरे नोटों के सामने बेचारा झुक गया हो। हो सकता है कि आप जिस तरह से नोटों के थैले लेके यहाँ उत्तराखंड में घूम रहे थे, कोई 100 करोड़ कोई 25 करोड़ में बिक रहा था। उत्तराखंड में बहुमत पे सरकार ला गई बहन जी, ये कमियां आपकी है, हमारी नहीं है, जनता सब जानती नहीं है, तो किसको क्या मैंडेट देना है। विशाल जी, जनता आगे आगे ये भी जानेगी कि कांग्रेस मुक्त भाजपा करते करते कांग्रेस युक्त हो गई, सारे कांग्रेसी आपने अपने दल में भर लिए, उसके बाद कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, इंसान तो वही रहता है। कांग्रेसी क्यों कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया है, आप कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो हमने की नहीं, पूरा नहीं है, वो साकार हो गई हमारी। नहीं नहीं, जैसे आपके लिए भी दरवाजे खुले, चिंता ना करिए, अच्छा सुन तो लीजिए, सुनिश्चित कर दिया, अच्छा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, फिर इसका मतलब आपका विषय है, मेरा विषय ही नहीं है, मेरे परिवार का नहीं, मैं तो आपके परिवार की केवल चर्चा कर रहा हूँ। इसका मतलब जैसे गाड़ी जब सर्विसिंग को जाती है तो उसका पूरा ऑयल चेंज किया जाता है, तो क्या उन सबकी फितरत भी बदल दी आपने? उन सबकी कार्य प्रणाली भी बदल दी आपने? अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, अब वो 10 के 10 भ्रष्टाचारी नहीं रहे, जिनके लिए गला फाड़ फाड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, यही तो मैं बताती हूँ। कितनी शर्म की बात है विशाल जी, आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए कि कल तक जिस नेता से आप राज कर रहे हो, आपने ऐसा बना दिया, ये हमें शर्म नहीं आ रही है। नहीं, कैसे निकलेगी इस बात को जनता के लिए, कैसे पार्टी ये बनाने वाले और मजे लोग कान क्या लोगों ने, वो हमें अक्ल आ गई है, इसलिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये आपकी पॉलिसी आती है। चलिए, एक एक प्रश्न हमने बीच में छोड़ दिया है। गरिमा जी, परसों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी एक मैसेज चला कि मैं एक राजनीतिक हूं, मैं किस मंदिर जाऊं, मंदिर का तात्पर्य कैसे लगाया जाए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह से जोड़ के कहा है, या भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है, या स्वयं का अपना मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए? नहीं संजय जी, मुझे नहीं, देखिए वैसे तो इस पे भी हमें चाहिए बात जी। नहीं नहीं, देखिए संजय जी, वैसे तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात क्या उनके सामने, मतलब उनके लिए कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने, हम लोग भी तलाश रहे हैं ना, दरअसल उनके, हाँ मैं वही बता जी, मैं बता रही हूँ आपको। वैसे तो मेरे लिए भी रावत जी की किसी भी बात का अर्थ निकालना या उसका मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। रावत जी आहत हैं इस बात को लेकर कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं पूरे उत्तराखंड के 20 साल में जिन्होंने पहली बार उत्तराखंडियत की बात कही, जिन्होंने उत्तराखंड के उत्पादों की, यहाँ के पकवानों की, यहाँ के वस्त्रों की, यहाँ के शिल्प की बात कही, यहाँ के डेस्टिनेशंस की बात कही, यहाँ पैदावार क्या क्या हो सकती है उसको प्रमोट करने की बात कही। तो आप भी इस बात को मानेंगे, सहमत होंगे इस बात से कि उनसे पहले या उनसे बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने उत्तराखंडियत को उस तरह से बढ़ावा नहीं दिया या उत्तराखंड एज अ ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश नहीं की। अब रावत जी को बार बार ये चीज दुख पहुंचाती है कि मुझे मिला मात्र 2.5 साल सत्ता चलाने के लिए, उसमें भी आधे समय तो मैं चोटिल रहा और आधे समय मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी बहुत ही अल्प समय उनको मिला, उन्होंने जो जो योजनाएं और घोषणाएं उत्तराखंड को फोकस या केंद्रित रखकर लॉन्च करी, उसके बाद भी वो आज तक उस हार को नहीं पचा पा रहे हैं कि मेरी हार आखिर किस कारण से हुई, मुझसे कमी कहाँ रह गई, इस बात को वो तलाश रहे हैं, जो उनके इंटरव्यू में या उनकी बातचीत में ये पीड़ा झलकती भी है कि मेरी तो हर बात शुरू भी उत्तराखंड से होती थी और खत्म भी उत्तराखंड
उत्तराखंड पर होती थी, तो कहां वो कमी रह गई जो लोगों के दिलों को मैं छू नहीं पाया या नब्ज नहीं छू पाया? जी जो चाहते हैं कि अभी से ही उनको कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो अभी से केंद्रीय नेतृत्व उनको जिम्मेदारी दे दे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। रावत जी का डेफिनेटली, जैसा कि आपने कहा कि उनका एकमात्र मकसद ये है कि जो बड़ी टूट हुई है वो उनके कार्यकाल में हुई और बड़ी हार हुई है तो उनके कार्यकाल में हुई, तो वो इन दोनों चीजों का जो उनके ऊपर एक छाप है या बट्टा है उसको हटाना चाहते हैं, और इसीलिए वो लगातार जो कार्यरत हैं इसी वजह से हैं कि वो एक बार बंपर जीत जो है वो कांग्रेस की प्रदेश के अंदर देखना चाहते हैं। और ये जो उनका संदेश अपनी फेसबुक पोस्ट पर है, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं दल बदलने की बात या इंदिरा जी के खेमे या दूसरे खेमे, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो बात होती है वो सीधे उत्तराखंड की जनता को सुनाना चाहते हैं कि आखिर मैं हूं राजनीति, क्योंकि 50 साल की गरिमा जी, रावत जी को मैं भी लगभग 25 वर्षों से जानता हूँ। मैं जानता हूँ 2002 में जब सत्ता नहीं मिली तो उनके लोग सड़क पे उतर आए। 2012 का भी हमें याद है कि जब सत्ता नहीं मिली वो खुल के लड़ने वाले सामने लड़ने वाले हैं। लेकिन ये जो ट्वीट उलझा दिया लोगों को, इसलिए कोई भी उस ट्वीट का, कोई भी उस पोस्ट का मायने नहीं निकाल पा रहा है। चलिए विशाल गुप्ता जी के पास आते हैं। विशाल गुप्ता जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ संजय जी कि देखिए 50 साल से ऊपर उनको राजनीति में हो गया, और जब वो कहते हैं कि 2-4 घुंघरू अगर टूट भी जाएं तो नर्तक नाचना नहीं छोड़ता, उनका मतलब यही है कि मेरे खून में, मेरी नस नस में राजनीति है और मैंने 50-55 साल अपने जीवन के राजनीति को दे दिए। अब ऐसे में मतलब मैं सक्रिय ना रहूं तो और क्या रहूं। जी समझ रहे हैं, उसके मायने सब समझ रहे हैं कि 2-4 घुंघरू टूट गए हैं, मैं राजनीति में हूँ, 2-4 चुनाव हार गया हूँ, इसका मतलब पॉलिटिशियन मैं कमजोर पॉलिटिशियन नहीं हूँ सर। लेकिन जो उनका एक लाइन गया कि मैं किस मंदिर जाऊं, उस मंदिर के मायने नहीं निकल पा रहे हैं। विशाल गुप्ता जी, अगर हरीश रावत जी को अभी से जिम्मेदारी, उनके जैसी जिजीविषा सीखने लायक है संजय जी। हम युवाओं के लिए प्रेरणा है कि जो वो बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े उठते हैं, मुझे लगता है कि उनसे हम जैसे लोगों को, जो आप आजकल युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि बात बात पर आत्महत्या पर उतारू हो जा रही है युवा पीढ़ी, उनको रावत जी से सीखने की जरूरत है कि बड़ी बड़ी हारों का सामना भी वो कितने कितने कर्मठता के साथ करते हैं। हमने तो देखा है, हम लोगों ने देखा एक्सीडेंट होने के बाद बीमार की स्थिति में किस तरह से उन्होंने सत्ता का संचालन किया। विशाल गुप्ता जी, अगर हरीश रावत जी खुल के फ्रंट पे आके बैटिंग करना शुरू कर दे तो क्या लगता है कि जो 22 है आपके लिए इतना सहज होगा जितना आप आराम से मान के चल रहे हैं? सत्ता का जो संचालन आपके द्वारा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या आप सोच रहे हैं इतने आराम से सत्ता का संचालन करके 2022 अगर हरीश रावत सामने आते हैं तो आप आराम से फतेह कर लेंगे? हरीश रावत जी 2017 में भी थे, हाँ, दोबारा हम 2018 में सरकार बना गए, ऐसे 2022 में हो जाएगा। देखिए 2017 की अगर बात करते हैं तो हरीश रावत के सामने भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन इस समय अगर 22 की आप बात करेंगे तो त्रिवेदी के सामने हरीश रावत होंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। विशाल गुप्ता जी, संजय जी एक बात कहना चाहता हूं। जी, ये भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी है जी, और कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी का निर्माण है जी। त्रिवेंद्र रावत जी वर्सेज हरीश रावत होगा, लेकिन हरीश रावत जी कांग्रेस हो सकती है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी है। इस चीज को भी आप समझिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, हरीश रावत जी आए और कोई आए, कांग्रेस पार्टी को हम हरा कर 2022 में पुनः जनता के समर्थन में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ संजय जी, उनके वहाँ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है किसी कार्यकर्ता। मोदी भी भारतीय जनता पार्टी है, मोदी भी भारतीय जनता पार्टी है, कमल का चुनाव है हमारा। आपने अभी क्या कहा इनके लिए हरीश रावत कांग्रेस पार्टी हो सकता है, लेकिन हमारे वहाँ त्रिवेंद्र रावत भाजपा के। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वहाँ हरीश रावत भी कांग्रेस पार्टी है, प्रीतम सिंह भी कांग्रेस पार्टी है, इंदिरा हृदय भी कांग्रेस पार्टी है। तो दूसरे मंदिर का क्यों ख्याल आ गया हरीश जी को? मंदिर का ख्याल क्यों आया हरीश जी को जब प्रीतम सिंह जी उनके साथ है?
जब प्रीतम सिंह जी उनके साथ है, इंदिरा गांधी उनके साथ है, दूसरे मंत्री का ख्याल क्यों आया? की चल रही है। आप बताइए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीतने से ज्यादा चुनाव हारा हूँ, ये भी शब्द कहे उन्होंने कि मैं अपनी राजनीतिक जीवन में जीतने से ज्यादा चुनाव हारा हूँ। माने बच्चे से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको उनको उनकी धर्मपत्नी को हराया है। त्रिवेंद्र जी का बताइए कितने चुनाव जीते हैं, कितने हारे यार? त्रिवेंद्र जी से भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, हम एक व्यक्ति के आधारित पार्टी नहीं है, हम व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये चलता है, प्रियंका गांधी ये चलता है, हमारे पार्टी नहीं चलता, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चलता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चलता है, बार बार बताना पड़ता है आपको, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चलता है, पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, गांधी परिवार नहीं चलता। लेकिन लेकिन गरिमा जी ये बात तो आप भी मानेंगी कि युवा कांग्रेस आपका युवा नेता राहुल गांधी है, आपका युवा नेता राहुल गांधी है। हो गया आपका। अगर ऐसा होता विशाल जी, फिर 2002 में भी आपको ही आना चाहिए था, 2007 में तो आप आए, 2012 में भी आपको आना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी पार्टी आगे की कल्पना, आगे का कल्पना हमारी है, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, तो आगे की सोच के लक्ष्य निर्धारित कर लिया हम स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, पीछे लक्ष्य निर्धारित करके आगे कार्य करते हैं। अच्छा, पहले के कार्यकर्ताओं में दम नहीं था, मतलब पहले के कार्यकर्ताओं में मादा नहीं था सरकार लाने का? भारतीय जनता पार्टी आपकी भूत की संरचना और हमारी भूत की संरचना में जमीन आसमान का फर्क है। आप कहां कल्पना कर रही है? आप बताइए, बूथ अध्यक्ष से लेकर आपकी संरचना क्या है? आपके 100 महासचिव बनते हैं, हमारे 4 महासचिव बनते हैं, हमारे यहाँ कंडीशन नियमावली है, हम सिद्धांत का और नियमावली के अनुसार संगठन की रूपरेखा तैयार करते हैं, आपकी तरह 100 महासचिव तैयार नहीं करते। बहन जी, भूत की संरचना के साथ चुनाव जीतते हैं, नारे होता है कि भूत जीता चुनाव जीता, इसलिए भूत का कार्यकर्ता भूत पे काम करता है। आप केवल मीडिया में बोलकर केवल अपनी, आप बताइए आपके विधानसभा में भूत की संरचना है नहीं है? हमारे यहाँ भूत की संरचना के साथ, बोर्ड की संरचना के साथ, मंडल की संरचना है। हम पूरे जमीन पर काम करके जनता के सहयोग परिवारों के तालमेल से चुनाव जीते जाते हैं। हमारे संजय जी एक तो दिक्कत क्या है पता है, यहाँ भाजपा के नेताओं के साथ सिर में दर्द हो जाता है, हमारी सुनते सुनते आपके सिर में दर्द हो जाता है, दवाई रखा चले आप, अगली बार से मेरे साथ बैठे दवाई रखिए आप। एक मिनट विशाल जी बोलिए। मैं संजय जी ये दिक्कत बता रही थी, मैं कई डिबेटों में भाजपा के नेताओं के साथ बैठ रही हूँ, अब दिक्कत क्या है, दायित्व लेने के चक्कर में है या कोई भी ऐसा, क्योंकि सरकार है तो हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा है, उस कुछ ऐसा है तो आपके मन में सुन तो ले। आधे से ज्यादा डिबेट सिर्फ इस बात पर निकाल देते हैं, ना टॉपिक पे फोकस करते हैं, ना बहस को सार्थक करते हैं, इस बात पर निकाल देते हैं कि अपनी पार्टी का गुणगान हम कैसे करें। अगर इतनी बढ़िया पार्टी है, लेकिन आप भी गुणगान कर रहे हैं, आपके पास है ही नहीं इतना बढ़िया, इतना सुनिए ना मुझे, आपके साथ कोई मसाला ही नहीं है, बहुत मसाला है गुणगान करने का, कोई ना कोई कारण तो आप, गरिमा जी आप ये तो मान के चलिए। नहीं मैं मानती, आप भी वही कह रहे हैं कि इनका जो संगठन का रचनात्मक वो है, मेरा ये कहना है क्या कारण है कि पिछले दिनों में जो युवा कांग्रेस है, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सेवा दल है, क्यों कमजोर हो रहा है? मुख्य कांग्रेस ही मजबूत हो रहा है। संजय जी, वहां पे सचिन जी के साथ उनको भी हटा दिया गया। एक मिनट ले जी गरिमा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी संजय जी कि आप पिछले एक महीने के पेपर उठाकर देखिए, अगर आपको प्रतिदिन हमारा यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सड़कों पर ना दिखे तो आपसे मैं गारंटी के साथ मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब हमारा यूथ कांग्रेस या हमारा एनएसयूआई सड़कों पर नहीं उतरा है, पिछले महीने भर का तो मैं गारंटी दे रही हूं आपको। और कोरोना काल में क्या अभूतपूर्व कार्य हमारे लड़कों ने किया कि मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है, कि इस देहरादून के अंदर मैं गारंटी और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूं मैं आज संजय जी आपको, कि इस देहरादून के अंदर सबसे पहले अगर राशन बांटने की शुरुआत इमीडिएटली आफ्टर लॉकडाउन भी क्या, जो जनता कर्फ्यू 22 को लगाया गया, इमीडिएटली 23 तारीख को मेरे पास यूथ कांग्रेस के लड़कों का फोन आ गया कि दीदी हम राशन की पैकेजिंग कर रहे हैं, आपसे सहायता चाहिए, और उन्होंने किया वो काम कोरोना के डर के बिना,
भाई मुक्त होकर वो कॉलोनियों में गए हैं वो लड़के हमारे। और मैं खैर विशाल जी की तरह अपनी पार्टी के यहाँ पर गुणगान करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरा विशाल जी की पूरी लब्बो लुआब जो निकला विशाल जी की बात से, वो ये निकला कि इनका संगठन अभूतपूर्व है। इनका बूथ लेवल तक जो है वो जर्रा जर्रा इनका कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। विशाल जी, बड़ी विनम्रता के संग निवेदन कर रही हूँ, फिर तो पूरे 20 साल जो उत्तराखंड को बने हुए हुए हैं आप ही को करना चाहिए था राज। क्यों आप हर बार हार जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, हर 5 साल के बाद हार जाते हैं। अगर इतनी बढ़िया, और जो आरएसएस है ना आपका, आप लोगों ने हवा बना रखा है उसको, कुछ नहीं है आरएसएस। अगर आरएसएस इतना बड़ा दल है या इतना बड़ी संस्था है तो महाराष्ट्र में क्यों फेल हो जाती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में वो क्यों फेल हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस भी कहीं से कहीं तक मोदी जी को और आप लोग जिस जिस राह पर चल चुके हैं, नैतिक पतन। सुब्रमण्यम स्वामी यहां आकर कह के गए हैं उत्तराखंड भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है। और लिटरली शब्दशः मैं उनसे सहमत हूं कि उत्तराखंड भाजपा का ही नहीं, पूरे देश की भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है। अंतिम कमेंट ले लेते हैं विशाल गुप्ता जी से। जी विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत आधारित पार्टी किसी के अंदर को नहीं करती और अपने संस्कारों विचारों के साथ ही आगे बढ़ती। किसी की अंदरूनी लड़ाई में हम सम्मिलित नहीं होते। अंदरूनी लड़ाई राजनीति पार्टी की होती है और जब जमीन पर आती है हर व्यक्ति उसके आनंद लेता है और राजनीति पार्टी परिपक्वता होते नजर रखती है, उसमें नजर रखती है अपनी राजनीति को। चुनाव में हराता कौन है विशाल भाई, चुनाव में हराता कौन है? आपकी अंदरूनी लड़ाई हम जीते रहेगी 57 पे हम आगे नहीं आ पा रहे। हमें कौन हराता, हमें तो जिता दिया। 57 आई थी हमारी बहन जी, नहीं 57 सीटें आई है हमारी सरकार है। आप नकारात्मक विचारों के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो? हम सकारात्मक सोच रहे हैं, आप नकारात्मक सोच रहे हो। हम जीतने की लाइन में चले हैं, हम जीत की स्थिति में, हम हार की स्थिति में आए नहीं। अंतरिम सरकार किसकी थी भाई, अंतरिम सरकार किसकी थी? तो उत्तराखंड बनाया किसने बहन जी? सुनो, उत्तराखंड अगर आपने बनाया फिर क्यों हार गए 2002 में? आप पहले चुनाव क्यों हार गए? पहला चुनाव था उत्तराखंड बनने के बाद, अगर आपने उत्तराखंड बनाया तो आप हारे क्यों बताइए? आपके कार्यकर्ता गए क्यों नहीं गाल बजाने आपके कार्यकर्ता? क्योंकि ये राज्य किसी ने नहीं बनाया, ये राज्य आंदोलनकारी ये राज्य शहीदों ने बनाया, ये राज्य मातृशक्ति ने बनाया है। इसलिए ये झूठ नहीं चलेगा आपका, और जितने बार इस झूठ को बोलेंगे ये बैकफायर करेगा। उत्तराखंडी का योगदान है विशाल जी और गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए है क्या, राजनीति में महत्वाकांक्षा, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा राजनीति में होती है, और अगर उस महत्वाकांक्षा को आदमी समय से कैश करे तो हमारे समझ से वही सही राजनीतिक होता है। अगर हम हरीश रावत की बात करते हैं तो चाहे 2002 का चुनाव था, 2002 में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी, लेकिन हरीश रावत उनको जिंदा किया, सत्ता में लाए, इंतजार किए। 2012 में फिर कांग्रेस जीत के आती है, फिर इंतजार करते हैं, उन्हें सत्ता में शीर्ष पे बैठाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसे सीनियर से सीखने की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी की आज हम बात कर रहे थे तो युवाओं को अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए, संयम के साथ अगर वह इंतजार करते। महत्वाकांक्षा तो हर आदमी के जो पॉलिटिक्स में आता है वो चाहता है पार्षद बनूं, विधायक बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन बड़े नेताओं से सीखने की आज जरूरत है। और जिस तरह से युवा कांग्रेस में अति उत्साह के साथ पद के लालच में अपने आप को चाहते हैं कि पद तुरंत मिल जाए, और कांग्रेस अगर उन्हें दरकिनार कर रही है तो कहीं से गलत नहीं कर रही है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है राजस्थान में, जिस तरह से उन्होंने अपने सत्ता को जाने से बचाया है, उसी तरह से पूरे देश में कम से कम कांग्रेस का पुराना इतिहास जो रहा है उसे पुनः वापस लौटाने में ये युवाओं की मदद जरूर लेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।